बताऊं बनाने का अच्छा तरीका। प्याज बिल्कुल बारीक काटने हैं और छोटी साइज वाला प्याज हो, टमाटर दो हो, कोई मसला नहीं, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, आलू और वताऊं, दिस इज द बैगन। ये बैगन, ये आलू, एक साथ, हर चीज एक साथ। आप देखते रहो मैं पका कैसे रहा हूं। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, गबट्टू। अब डाल रहा हूं इसमें ऑयल, अब डाल रहा हूं इसमें नमक, अब ढक्कन बनना, ये 20 मिनट बाद खुलेगा हल्की आंच में, अगर ज़्यादा आग हो तो 6-7 मिनट बाद चेक कर लेना। नमक डाल दिया, ऑयल डाल दिया, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हर चीज़ डाल दी, सिर्फ नहीं डाली गर्म मसाला, हल्दी और लाल मिर्च, ये तीन चीज़ें नहीं डाली। जब तैयार हो जाएगा उस वक्त डालूँगा, वो भी दिखाऊँगा। इतना लाल मिर्च और इतना हल्दी डालनी है आपने, ज़्यादा कुछ नहीं डालना इसमें, बिल्कुल हरी मिर्च डाल गई बहुत है। आलू थोड़ा कच्चे थे, हमने एक गिलास पानी का डाल के खड़ा कर दिया चूल्हे पे, हल्की आंच पे, हल्की आंच पे, थोड़ा आलू गल जाए। 6 और 7 मिनट हो गए हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। आलू भी अब नज़दीक हैं, गलने वाले हैं। अभी देर है थोड़ा, फिर इसको ढक दे दिया हमने। अब तो माशा अल्लाह पक गया होगा मेरा बैंगन, ओ मेरा बैंगन, ओ मेरा बताऊं, ओ मेरा बताऊं, उर्दू में बैंगन, सरेकी में बताऊं, इंग्लिश में पता नहीं, अरबी में पता नहीं, फारसी में पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर वो महक आ रही है। महक सुन के, महक देख के हमको जो है ना भूख लगने लगी, भूख।
चूल्हा कर दे पे बंद।